ये बात करेंगे बिहार की सियासत की। जी हाँ, बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से समय मांगा है, राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा। राजभवन में राज्यपाल से होगी मुलाकात। नीतीश के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बिहार में लगातार सियासत बदल रही है और नीतीश कुमार जो कि लगातार बिहार की सियासत में सुर्खियां बटोरते हैं, वो एक बार फिर से सियासत के केंद्र में हैं। चारों तरफ उन पर निगाहें टिकी हुई हैं और इस्तीफा दे सकते हैं और आज ही वे दोबारा शपथ ग्रहण भी कर लेंगे सीएम पद की। तो ऐसी जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, जहां पर नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। तो पटना पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा, दिल्ली से विशेष चार्टर प्लेन से पहुंचेंगे पटना। दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे पटना, शाम 7:30 बजे दिल्ली वापस लौट आएंगे। अब जब जेपी नड्डा पटना पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बिहार की सियासत में जो उलटफेर होने जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं पटना। और आज नीतीश कुमार, जैसे कि राज्यपाल से उन्होंने वक्त मांगा है और शाम 7:30 बजे तक जेपी नड्डा वापस भी लौट आएंगे, यानी कि पूरा दिन आज पटना में रहने वाले हैं। तो दिल्ली से विशेष चार्टर प्लेन से पहुंचेंगे पटना जेपी नड्डा और दोपहर 3 बजे पटना पहुंचकर तमाम जो उनकी बैठक होंगी उसमें शामिल होंगे और उसके बाद 7:30 बजे वे दिल्ली वापस लौट आएंगे। तो बिहार में हलचल, नीतीश कुमार एक बार फिर से सियासी उलटफेर करते हुए। अब देखना यह है कि जिस पार्टी को उन्होंने छोड़ा था एक बार फिर से उसी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जो कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन ये शपथ बीजेपी के साथ मिलकर अब लेने वाले हैं और इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम होने का भी जानकारी मिल रही है। और तमाम जो एक प्लान है, पूरा दिन का कार्यक्रम है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार का पूरा दिन आज होने वाला है। और अब हम आपको एक साथ 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार ने कब कब सीएम पद की शपथ ली, आप देख सकते हैं। तस्वीरें देखिए, मार्च 2000 में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, नवंबर 2005, नवंबर 2010, फरवरी 2015, नवंबर 2015, जुलाई 2017, नवंबर 2020, अगस्त 2022 और अब आज जनवरी 2024। हो सकता है ये भी आज का दिन दर्ज हो जाएगा उनके शपथ ग्रहण समारोह की लिस्ट में। और सीधे रुख करेंगे पटना से, संवाददाता संजय कुमार जुड़ गए हैं। संजय, आज का बहुत ही बड़ा दिन, चूंकि अब बिहार की राजनीति में जिस तरीके से सियासत में हलचल मची हुई है और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण एक बार फिर से आज वो करने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट इस वक्त जेपी नड्डा का भी कार्यक्रम है दिल्ली से पटना आने का? संजय, सियासत का सुपर संडे है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो, जो राजनीतिक हलचल बिहार में चल रही है। जहाँ तक आपने जेपी नड्डा की बात की तो 1:45 पर बताया जा रहा है कि वो पहुँचेंगे पटना, उसके बाद सीधे आएंगे शपथ ग्रहण समारोह जिसकी बात कही जा रही है, शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे और उनके साथ चिराग पासवान भी होंगे। क्योंकि चिराग पासवान को लेकर ये बताया जा रहा था कि उनका एक कंसर्न था, ग्रीवांसेस था, उसको पूरा किया गया है और एनडीए की तरफ से कोशिश है ये बताने की कि ऑल इज वेल है, यानी जितनी एलाइज पार्टियां हैं, अगर वो नीतीश कुमार भाजपा के साथ आते हैं तो जो एलाइज पार्टियां हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी, वो सभी इंटैक्ट हैं, ऑल इज वेल है और यही मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि चिराग पासवान के उनके साथ आने की बात कही जा रही है। अभी से थोड़ी देर पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुरू हो गई है। 10 बजे का वो वक्त होगा
जब सीएम आवास पर बैठक बुलाई गई है जदयू विधानमंडल दल की, थोड़ी तस्वीर से आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए हलचल जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए काफ़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ बुलाए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस के जवान भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। सीएम आवास के बाहर भी हलचल जो है वो तेज़ हो गई है, काफ़ी संख्या में जो सिक्योरिटी के जुड़े लोग हैं वो पेपर्स के साथ खड़े होंगे, यानी किन किन लोगों को अंदर प्रवेश दिया जाना है इसको क्रॉस चेक किया जाएगा, उसके बाद उनको अंदर अनुमति दी जाएगी। बताया ये जा रहा है कि इसी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कन्विंस करेंगे कि वो किन परिस्थितियों में फिर से भाजपा के साथ बिहार में सत्ता बनाने जा रहे हैं, वो इस्तीफा देंगे। और जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि एनडीए जो है भाजपा जो अपना समर्थन पत्र सौंपेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, और इसके लिए उन्होंने राजभवन से वक्त भी मांगा है। वो इस्तीफा सौंपने के बाद जब समर्थन पत्र सौंपा जाएगा इसकी जानकारी वो राजभवन को देंगे, और फिर आज ही दोपहर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में फिर से नए मुख्यमंत्री के तौर पर, नौवें मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी बिहार में आज सत्ता का बदलाव हो रहा है और महागठबंधन की जगह आज एनडीए सत्ता में आ सकती है बिहार में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी होगी, इसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, ये जो तीन पार्टियां कंफर्ट जोन में है एनडीए, चूंकि 45 विधायक जो है वो जदयू के साथ हैं, 78 बीजेपी के साथ हैं, तो चार जीतन राम मांझी के पास हैं, तो कुल मिलाकर जो बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए के पास है। और इस स्थिति में ये तय माना जा रहा है कि बिहार के, बिल्कुल बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए, आंकड़े समझाने के लिए। अब अगली खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे भिलाई की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है जिसमें उन